हेलो फ्रेंड्स, आई कैन हेल्प यू चैनल की तरफ से आप सबको मेरे नमस्कार। तो दोस्तों, आज शुरू कर रहा हूँ एक नया वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा आपके मोबाइल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा IRCTC रेल कनेक्ट को यहाँ टाइप कीजिए, IRCTC, ठीक है, RAIL रेल कनेक्ट, ये देखिए ये वाला आ गया। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मेरा पहले से डाउनलोड हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद इस तरीके से ओपन वाला बटन आएगा, इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन हो जाएगा, यहां देखिए परमिशन ड्राइंग ओवर अदर ऐप, इसको ओके कर लीजिए। उसके बाद बैक पे जाइए, ये देखिए इस तरीके से आएगा इंटरफेस, ऊपर दिखाई दे रहा है। ये रेल वाला ये ऑप्शन पर आपको ट्रेन टिकट वाला ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ देखिए यूज़र आईडी यहाँ पे डालने के लिए कह रहा है, पासवर्ड यहाँ डालने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे लॉगिन, और नीचे दिखा दे रहा है रजिस्टर। आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आपको रजिस्टर यहाँ से करना होगा, ठीक है। तो रजिस्टर कैसे करते हैं आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा, पूरा फॉर्म निकल के आया। आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम सिलेक्ट करना है। चलिए हम यूज़र नेम बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी हमने बना रहे हैं, ये देखिए पहले किसी का बना हुआ है। तो जब तक ये इस तरीके से हरा रंग का नहीं होगा तब तक इसको चेंज कर करके आपको बनाना होगा। हम बना रहे हैं, देख लीजिए एक बार। हम किसी का नाम डाल रहे हैं तो वो नाम लेटर बड़ा या छोटा दोनों मिला के इसको करना होगा। अब देखिए ये हो गया, पासवर्ड भी हमने पहले ही बना लिया, सारा कुछ ठीक ठाक बन गया। देखिए इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, पूरा फॉर्म भर के फिर ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दिया, अब ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ दिखा रहा है नेशनलिटी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, आपको ये चीज़ भरना होगा। तो सिक्योरिटी नेशनलिटी आपको इंडियन रखना है, ऑक्यूपेशन सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है इसको हम पहले ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज योर पेट नेम। आंसर में सिक्योरिटी आंसर में आप आपका नाम डाल दीजिए, कुछ भी जो आपका डाक नाम होता है, सभी लोग जिस नाम से पुकारते हैं आपको जानकारी सभी को होता है, वही वाला नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो हम डाल रहे हैं, ओके, हमने ऐसे डाल दिया इसको। आप ऑक्यूपेशन, आप किस जगह पे काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे, पब्लिक हो, गवर्नमेंट,
कोई सर्विस करते हुए इस तरीके से कुछ चूज़ करना होगा। यहाँ पे आप पब्लिक सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस पे आप अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर सिंगल है तो इसको क्लिक कीजिए। चलिए मैरिटल स्टेटस पे इसको क्लिक कीजिए। ओके, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये एड्रेस आपको सारा भरना होगा। देखिए आपका लोकल एड्रेस जो है वो आपको भरना होगा, ठीक है। आप कोई भी अपना जहाँ पे रह रहे हो वो वाला एड्रेस भर दीजिए। चलिए हम एड्रेस भरते हैं। ओके, तो दोस्तों देख रहे हैं हमने एड्रेस भी भर लिया। आप देख लीजिए इस तरीके से आपको एड्रेस भरना है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से एड्रेस भरने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट पे टिक मार्क दिखाया जा रहा है, ये टिक मार्क आपका जो अगर नहीं रहेगा तो आपको टिक कर देना है। अगर टिक है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए सक्सेसफुल हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे यूज़र आईडी हम जो बनाया अभी उसको डालूँगा वहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड डालूँगा। यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद ये लॉगिन करेंगे। ओके, तो हम यूज़र आईडी डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए ये साइट खोल रहा है। अब आपको ये यूज़र आईडी वेरिफिकेशन करना होगा। कैसे? आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए गए है उसमें एक एक करके ओटीपी गया है। ओटीपी इस जगह पे भरना होगा, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दो जगह पे भर के इसको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम ओटीपी डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने ओटीपी नंबर डाल दिया, अब इसको वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई यूज़र यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। ये देखिए वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, फिर से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करना होगा। ये देखिए अब हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों देखिए अब लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आया। यहाँ पे आपको पिन जेनरेट करना होगा, तो आप कुछ भी पिन रख दीजिए। ओके, ताकि बार बार आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए हमने पिन जेनरेट कर लिया। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ से क्लिक करके बुक टिकट इसमें करना होगा। ओके।